मेटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अमाइनो एसर टू प्रोटीन्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनोसर फ्रेंड्स इससे में इस पार्ट में बेसिकली हम जो ये देखेंगे कि हाउ प्रोटीन्स आर मेटाबोल मेटाबोलिज्म के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं किस तरह से मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और किस तरह से मालिक्यल्स आगे कंप्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं ज़्यादा कम्पलेक्स मालिक्यूल्स बनाते हैं यानी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों चीज़ें आ जाती हैं प्रोटीन्स का एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म स्टडी करने से पहले लेट वी डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट्स हमारे जो बॉडी है इसमें ऑलमोस्ट मैम्ब्रेन को छोड़कर मैमब्रेन में ज्यादा लिपर्स हैं बाकी हमारे बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो प्रोटीन्स होती हैं हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटीन्स जो प्रोटीन से ना बना हो और एक होता है प्रोटीन जिसमें प्रोटीन ना हो मैं जिसमें प्रोटीन के बजाय मैं ये वर्ड चूज़ करूँगा कि हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो प्रोटीन से बना ना या जिसको प्रोटीन ने ना बनाया हो जैसे हमारे मसल फाइबर्स हैं बोन्स हैं एंजाइम्स हैं एंटीबॉडीज हैं ब्लड सेल्स हैं ठीक तो है जैसे रेड ब्लड सेल के अंदर तो नाइन्टी फाइव परसेंट प्रोटीनस होती हैं हीमोग्लोबिन मौजूद है इससे लेंस हैं आइज़ के लेंस हैं वो हमारे जो इंटेगोमेंट्री स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट से मुराद है जो हमारे नेल्स हैं हेयर हैं ठीक है ऐसे बर्ड्स के फैदर्स हैं जो एनिमल्स हैं जैसे स्पाइडर्स का वेब है ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं बेसिकली प्रोटीनस के बने होते तो जितनी इंस्ट्रक्चर की इम्पॉर्टेंस है उतनी ही प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस है विट मीन्स प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ प्रोटीन आर मेटाबोलाइज पहले हम देखते हैं कि जो हम इनटे डाइटरी इनपुट है डायट्री इनपुट से हरा है जो हम खाने में लेते हैं प्रोटीन्स हाउ दे आर डाइजेस्टेड एनिमल्स जो प्रोटीन लेते हैं उनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम स्मॉल जब वो स्टोमिक uh, से तो जो फूड हम लेते हैं वो स्टोमिक में सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन होती है स्टामिक में आपको पता है पेप्सिन होता है तो पेप्सिन क्या करेगा कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगा उसके बाद स्मॉल इंटस्टाइन में जब ये पहुँचेगी जो फूड पहुँचेगा तो पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टॉन के अपने एन्ज़ाइम्स प्रोटीन की फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे इस तरह से स्टामिक और स्मॉल इंटस्टाइन के अंदर प्रोटीन कम्प्लीटली ब्रेकडाउन कर जाती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इंटू अमाइनो एसिड्स और ये प्रोटीन फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसका बताया जो प्रोटीन हम खाते हैं अल्टीमेटली उसने किसी में कन्वर्ट होना है अमाइनो एसिड्स में और ये अमाइनो एसिड्स फिर हमारे ब्लड में या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं अब ये अमाइनो अमाइनोसर जब एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू ब्लड डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक पहुँचते हैं तो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स में इन अमाइनो एसिड से दोबारा इनको जोड़कर नई प्रोटीन्स बनाई जाती हैं इस तरह तो से अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में जागे का दोबारा एक फिर क्या करते हैं कि ये लिंकअप होते हैं और इसे प्रोटीन सेन्थिस के प्रोसेस के दौरान जो है वो नए नए प्रोटीन के मालिक जो बनाते हैं और ये प्रोटीन डिफरेंट सेल्स के काम करेंगे सेल ग्रोथ सेल डिवीजन बाकी कामों में यूज होंगी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स ये एक्स्ट्रा प्रोटीन जो हमारे बॉडी के यूज में नहीं हैं उनको फिर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और अमाइनो एसिड्स की जब ब्रेक डाउन की जाती है तो एसिड में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो के ब्रेक डाउन से अमाइनो ग्रुप अलग किया जाता है वो अमोनिया की फार्म में रिलीज़ हो जाता है और जो अमाइनो एसिड बाकी रह जाता है वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह से जो अमाइनो एसड्स हैं इनकी ब्रेकडाउन अब कब होगी जब एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होंगे हमारे फूड में ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हैं या फिर ड्यूरिंग स्टारवेशन स्टारवेशन ये है कि जब फैमिल्स हैं कैथ ज़्यादा इलाकों में जो लोग रहते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि बॉडी जो होती है वो उनके जो बोन्स हैं उसके ऊपर हमें जो गोश्त बहुत कम नज़र आ रहा है मसल्स कम होते हैं गोश्त से मतलब मसल्स हैं तो इसकी वजह यह होती है कि एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए जो बॉडी की प्रोटीन्स होती हैं वो डीग्रेड होती हैं वो डाइजेस्ट होती हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं तो अमाइनो एसिड कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप अलग जो बाकी अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड और ये कीटो एसिड फिर आगे जाकर क्रेब साइकिल को ज्वाइन करेगा बाकी जो है पाथिस को ज्वाइन करेगा और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से एक अमाइनो अमानोसर जो इसकी ब्रेकडाउन होती है प्रिंसिपली जो अमाइनो ग्रुप है यह एसिड की ब्रेकडाउन के दौरान कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर जबकि जो बाकी अमाइनो एसिड रह जाता है वो कन्वर्ट होता है कीटो एसिड के अंदर ये कीटो एसिड फिर आगे जाकर या पायरुवेड बना देता है या कोई और मालिक्यूल बना देता है तो जो भी चीज़ ये बनाएगा वो फिर आगे क्रैप साइकिल या बाकी जो है वो डिफरेंट साइकिल्स के अंदर रोल प्ले करेगी और क्या करेगी साथ जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होगी इससे आगे